हेलो गाइस, सो क्या हाल है हम सभी के। सो फाइनली हमारा जेई का पेपर स्टार्ट हो गया है ना, काफ़ी वेट करना पड़ा है हमें इस साल। तो चलो कोई बात नहीं, जो आज पेपर हुआ है हमारा 2 सितंबर को मॉर्निंग शिफ्ट का, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है 1 तारीख से 6 तारीख तक जेई के पेपर हैं। तो हो सकता है क्या होगा ही होगा, इस टाइप के ही क्वेश्चन आपको 3, 4, 5, 6 को मिलेंगे, ठीक है, जो बाकी एग्जाम बचे हैं जेई के बाकी डेट्स के अंदर, उस डेट्स में भी हमें इसी टाइप के क्वेश्चंस हमें मिलते रहेंगे, ठीक है। तो जरा ध्यान से देख लो, हेल्प मिल जाएगी आप लोग को। तो आज हमें देख लो 2 सितंबर को, मतलब आज मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो चलो डिस्कस करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा, डिस्कस करने से पहले एक चीज मैं बता देता हूँ, ये एकदम जो क्वेश्चंस और ऑप्शंस हैं ये एकदम ऑफिशियल लैंग्वेज में नहीं है, क्योंकि अभी तक अपलोड नहीं हुए हैं जेई की साइट में पेपर्स। तो इसलिए ये मैंने जो मेरे स्टूडेंट्स लोग हैं उन लोगों ने क्या करा है, क्वेश्चंस भेजे हैं मुझे किसी ने कहीं से, मैंने दूसरे साइट से कलेक्ट करे हैं क्वेश्चंस, तो उन सबको मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, ठीक है। एक चीज का ध्यान रखना, एकदम ऑफिशियल लैंग्वेज में नहीं है कोई भी क्वेश्चंस, और हो सकता है कुछ हो, ऐसा नहीं है कि कोई भी नहीं है, पर हाँ जो क्वेश्चन रहेगा वो यही रहेगा, बस लैंग्वेज थोड़ी चेंज हो सकती है, ऑप्शन थोड़े से चेंज हो सकता है, पर क्वेश्चन यही है जो पूछे गए हैं, ठीक है। क्योंकि अभी मैंने डायरेक्टली किसी साइट से उठा के या ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने क्वेश्चन नहीं उठाए, क्योंकि अभी अपलोड ही नहीं हुए हैं उसमें, ये मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे भेजे हैं, कहीं से मैंने कलेक्ट करे हैं, तो मैं आपके लिए सॉल्यूशन बना रहा हूं, ताकि आपको आगे वाले पेपर्स में हेल्प मिल जाए, ठीक है। पर क्वेश्चन इसी टाइप का होगा। चलो देखो, पहला क्वेश्चन बोल रहे हैं 3 मोल ऑफ O2, O2 के नंबर ऑफ मोल कितने, 3 मोल है, एंड 5 मोल ऑफ आर्गन के कितने 5 है, प्रेजेंट इन अ क्लोज कंटेनर, फाइंड द सम ऑफ देयर इंटरनल एनर्जी का सम बताना है। तो देखो, ये हमने डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा। O2 आपको पता है डायटोमिक गैस और आर्गन इज योर मोनो एटोमिक गैस, ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी निकालेंगे सबसे पहले ऑक्सीजन की, क्या फॉर्मूला होता है F/2 nRT, ये फॉर्मूला होता है डायरेक्टली फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन, और F इज डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑक्सीजन के लिए कितना होता है, डायटोमिक गैस के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है कितना होता है, 5 होता है। तो F की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 5/2 नंबर ऑफ मोल दे रखे इसके 3 RT, सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 15/2 RT, ठीक है। सिमिलरली इंटरनल एनर्जी निकालेंगे आर्गन के लिए, सेम फॉर्मूला यूज करेंगे F/2 nRT, और मोनोटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू होती है, F की वैल्यू होती है 3, तो यहाँ पुट कर देंगे 3/2 नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं 5 RT, कितना हो जाएगा 15/2 RT हो जाएगा। अब सम निकालना है, टोटल निकाल देंगे, टोटल क्या हो जाएगा O2 प्लस इंटरनल एनर्जी ऑफ आर्गन 15/2 RT प्लस 15/2 RT, तो ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 15 RT आ जाएगा, तो हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट इस फॉर्मूले में बेस्ड है, फॉर्मूला पता है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है वो तो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये पता है, इसके बारे में हम लोग डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, डायटोमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू 5 और मोनाटोमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू 3, ठीक है, तो ये आपको पता रहना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेटल इज यूज इन फोटोकेमिकल सेल। ओके, डायरेक्ट मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आ गया, कौन सा किसको हम यूज करते हैं, किस मेटल को फोटोकेमिकल सेल में, तो डायरेक्टली हमें पता है सीजियम को यूज करते हैं, ठीक है, ये डायरेक्टली नोट्स का क्वेश्चन आ गया है, समझ लो, क्योंकि इसके सीजियम की क्या होती है आयनेशन एनर्जी क्या होती है काफी कम होती है, इसलिए हम उसको फोटोकेमिकल सेल्स में यूज करते हैं बिकॉज ऑफ लो आयनाइजेशन एनर्जी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रॉपर्टी इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच प्रॉपर्टी इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, एटॉमिक रेडियस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो बाकी से अलग कौन है। तो ये हम जानते ही हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, किसका, आपका पीरियोडिक टेबल का, चाहे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो, चाहे आयनाइजेशन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो, आयनाइजेशन एनर्जी लो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लो, ये तीन जो होती है अक्रॉस द पीरियड क्या करती है, याद करो, इंक्रीज करती है, और डाउन द ग्रुप क्या करती है, डिक्रीज करती है, ये तीन प्रॉपर्टीज। पर जब हम एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं, एटॉमिक रेडियस क्या करता है, क्रॉस दी पीरियड डिक्रीज करता है, और डाउन दी ग्रुप क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो जरा देखो, जो ट्रेंड है इन तीनों का ट्रेंड, BCD का ट्रेंड एक जैसा है, पर एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड ये अलग है, उल्टा है उनका, रिवर्स है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये बोला ना, जो बाकियों से अलग है, मतलब एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड ही अलग है, इसका डाउन द ग्रुप इंक्रीज है, क्रॉस दी पीरियड डिक्रीज है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ कंपाउंड AB4, आपके पास एक कंपाउंड है AB4 है, विच इज पोलर, पोलर बोल रहे हैं, मतलब डायपोल मोमेंट इसका इज नॉट इक्वल टू 0,
पोलर बोला है ना, पोलर का मतलब यही होता है कि डाइपोल मोमेंट क्या नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। आपसे बोल रहे हैं उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, तो देख लो स्क्वायर प्लेनर होगी तो नहीं हो सकती स्क्वायर प्लेनर। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि स्क्वायर प्लेनर में सारे एक दूसरे की डाइपोल मोमेंट्स को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, तो इसलिए इसका जो डाइपोल मोमेंट आ जाएगा क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। मतलब ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है। डाइपोल मोमेंट जीरो मतलब नॉन पोलर, डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो मतलब पोलर, ठीक है। टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल भी नहीं हो सकता क्योंकि वो प्योर फॉर्म में अपनी, देखो ध्यान से, ये प्योर फॉर्म है, मतलब इसका भी डाइपोल मोमेंट क्या रहेगा, जीरो ही रहेगा, सबकी मूवमेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। हाँ, अगर बाय द वे, बहुत ध्यान से देखना, अगर बाय द वे फॉर्मूला क्या होता है, ए बी थ्री सी होता, बाय द वे अगर कोई सा भी एक हटके सी हो जाता, इस केस में नॉट इक्वल टू जीरो हो जाता, बस समझ लो। अभी अपनी आइडियल फॉर्म में नहीं, आइडियल का मतलब है जो नेबरिंग एटम होने चाहिए वो सारे के सारे सेम होने चाहिए, ठीक है। तो अगर इस टाइप का कोई केस होता तो इसमें आंसर हमारा ये हो सकता था, पर अभी हमारा केस क्या है, ए बी फोर वाला केस है, तो ए बी फोर के लिए दोबारा बी बना देते हैं और ए बी फोर है तो आपस में सारी मूवमेंट को कैंसिल आउट कर देंगे और डाइपोल मूवमेंट इसका भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, मतलब इट इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। सीसो, सीसो का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसा होता है, आप लोग को पता ही होगा ये तो, ठीक है। तो यस, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, इसी का डाइपोल मूवमेंट क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो। देख लो कोई एक दूसरे की मूवमेंट को कैंसिल आउट नहीं करेंगे डाइपोल मूवमेंट को, ना, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, तो सीसॉ विल बी योर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड सोल, तो एकदम सिंपल डायरेक्ट नोट्स का उठाया हुआ क्वेश्चन है आपका सरफेस केमिस्ट्री का। सॉलिड सोल का एग्जांपल क्या है, मतलब जिसमें डिस्पर्स सॉलिड सोल और सोल्स का मतलब समझते हैं, जिसमें डिस्पर्स फेस भी सॉलिड है और मीडियम भी आपका सॉलिड रहेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉलिड सोल्स बोलते हैं। तो सॉलिड सोल का एग्जांपल क्या हो जाएगा आपका, डायरेक्टली जेमस्टोन्स। ये भी एकदम डायरेक्ट आपका नोट्स उठाया हुआ डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। आपको सिंपल सिंपल सा एग्जाम्पल्स में बताया जाता है जेमस्टोन्स क्या होता है, केक क्या होता है, पेंट्स क्या होता है, फॉग क्या होता है, बटर क्या होता है, सारे एग्जाम्पल्स आपको दिए गए थे, ठीक है। तो सॉलिड सोल का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका, जेमस्टोन्स हो जाएगा, ठीक है। जो अंगूठी वगैरह पहनते हो ना तुम लोग, मतलब अंगूठी वगैरह पहनते हैं, वो देते रहते हैं पंडित वगैरह कि भाई ये पहनो, है ना, ग्रह नक्षत्र इससे सही हो जाएंगे, तो वही होते हैं जेमस्टोन्स। उसमें क्या करते हैं, अलग अलग टाइप के पत्थर्स को मिला के एक नया पत्थर बना देते हैं, तो मतलब डिस्पर्स फेस भी सॉलिड है और डिस्पर्शन मीडियम भी सॉलिड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स, फाइंड द चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, डेल्टा जी नॉट निकालनी आपको, क्या होता है फॉर्मूला, माइनस एन एफ ई नॉट सेल, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, इस फॉर्मूले में बेस्ड है, काफी बार हमने बात करी भी है, आपने अगर मेरी वो देखी हुई है सुपर 30 सीरीज, तो उसके अंदर मैंने मोस्टली सारे क्वेश्चन डिस्कस करे हुए हैं, देख लेना आप लोग, ठीक है। तो मैंने बोला ही था वो काफी इंपॉर्टेंट सीरीज है आप लोग के लिए, डेल्टा जी नॉट माइनस एन एफ ई नॉट सेल हो जाएगा। मेन टारगेट है ई नॉट सेल निकालना, तो ई नॉट सेल निकालना हम लोग जानते हैं, ई नॉट सेल क्या होता है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ठीक है, ये होता है, इस तरीके से निकाल सकते हैं। और कैथोड में क्या होता है, रिडक्शन, ये पता है आप लोग को, और एनोड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ये पता है सभी को, कैथोड में रिडक्शन, एनोड में ऑक्सीडेशन। तो देखो रिडक्शन किसका हो रहा है, कॉपर का हो रहा है, तो मतलब कॉपर का हो रहा होगा कैथोड में रहा होगा, और ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, एसएन का हो रहा है, तो मतलब एनोड में क्या रहा होगा, एसएन आपका रहा होगा। या फिर यहां से भी देख सकते हो, देखो इसका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है, मतलब इसका क्या होगा, रिडक्शन होगा, और अगर रिडक्शन होगा तो ये कहां रहेगा, कैथोड में रहेगा, तो कॉपर में, कैथोड में क्या रखोगे, कॉपर रखोगे, कॉपर की वैल्यू पुट कर दो 0.34, और एनोड में क्या रखोगे, ये रखोगे, इसकी वैल्यू पुट कर दो कितनी है, -0.16, ऐड कर दिया कितना गया, 0.50 वोल्ट, ठीक है। तो ई नॉट सेल आपका निकल गया 0.50 वोल्ट। अब आपको निकालना है डेल्टा जी नॉट, तो रख दो इसको वैल्यू में सब्स्टिट्यूट, फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दो, माइनस क्या फॉर्मूला है, एन एफ ई नॉट सेल, एंड कितने इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, देखो चेंज कितने इलेक्ट्रॉन्स का हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का, तो एन की वैल्यू 2 हो जाएगी, एफ की वैल्यू जानते हो आप 96500, और ई नॉट सेल कितना गया 0.50। सॉल्व कर लेंगे इसको, समझ लो, तो सॉल्व कर लो, एक जीरो से एक जीरो, फाइव टू जो दोबारा क्या बन गया, 10 बन गया, मतलब -96500 हो गया, 96510 ये था, और 5 2 10, तो 10 और लग गया, ठीक है। तो ये जूल्स में आ जाएगा, इसको किलो जूल्स में करने के लिए कितना कर देंगे, 3 पॉइंट पीछे शिफ्ट कर देंगे, इतना आ जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा -96.5 किलो जूल्स। तो ये इसका आंसर हो जाएगा -96.5 किलो जूल्स, ठीक है। इंटीजर टाइप का क्वेश्चन था ये, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये एकदम सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, बहुत ईजिली आपसे हो जाएंगे, ठीक है।